कोरोना वायरस से बचाव हेतु रोडवेज की बसों में किया जाएगा स्प्रे। आज रोडवेज MD ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अजमेर में भी उपलब्ध करवाया जाएगा उपकरण व मास्क। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आज रोडवेज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई, जिसमें MD द्वारा अजमेर के रोडवेज स्टाफ के साथ वायरस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। रोडवेज की तरफ से कोरोना वायरस न फैले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। ये जानकारी दी गई कि अजमेर में सभी उपकरण मास्क सैनिटाइजर भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा रोडवेज की बसों में स्प्रे करवाया जाएगा। इसके अलावा बसों में जो यात्री बैठ रहे हैं उनको भी कोरोना वायरस को लेकर जानकारी दें, वायरस को लेकर किस तरीके से सावधानी बरतनी है इसको लेकर भी जानकारी दी गई। हाँ बोलिए। आज हमारे MD साहब ने कोरोना वायरस के संबंध में, उसके बचाव के संबंध में मीटिंग ली थी कि रोडवेज की तरफ से कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और कोरोना रोडवेज की तरफ से नहीं फैलना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए हम कैसे रोक सकते हैं इसको, उसके बारे में बताया था। सारे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं स्प्रे वगैरह के लिए, मास्क वगैरह, दस्ताने वगैरह सारे भेजे जा रहे हैं। और अगर कम हो जाए, हमारे मान लो पूरे नहीं हो, तो यहाँ से CMHO साहब से यहाँ से ले सकते हैं। इस बारे में मीटिंग हुई थी। काफ़ी हाथ धोने के तरीके, ये सारे ढंग से समझाए गए थे कि आप यात्रियों को और अपनी बसों में भी सारा वो स्प्रे वगैरह करें और यात्रियों को पूरी सुविधा दें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो किसी यात्री को, बीमार यात्री को बिठाए ये नहीं उसको उतार दिया गाड़ी से, और पूरा कोरोना के बारे में समझाया गया। मीटिंग किसके द्वारा ली गई? हमारे प्रबंध निदेशक जी नवीन जी जैन के द्वारा। अनिल पारिक, चीफ मैनेजर CBS अजमेर।